राम रहीम और कृष्ण मुरारी, सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। अगुण सगुण का वेद मिटाओ, अगम पंथ सब सुगम बनाओ। सर्व समर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 18 फरवरी 2023 प्रातः काल के बेला त्रिवेणी संगम के स्थान पर प्रयाग में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आज शिवरात्रि का त्योहार भारत देश में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहां भी हिंदू धर्म के मानने वाले शिव के प्रेमी हैं, सब लोग शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन तरीका लोगों का अलग अलग है, कहीं किसी ढंग से किसी तरीके से किसी ने बता दिया कि इस तरह से शिवरात्रि मनाओ तो शिव खुश होंगे। तमाम कथाएं पौराणिक लोग सुनाते हैं, बताते हैं, कुछ दंत कथाएं भी बना लेते हैं, अपने मन से भी बना लेते हैं, रोचक हो जाए तो हमारा नाम हो जाए। दोनों ने शिव जी के बारे में खूब बढ़िया से बताया, समझाया इस तरह से। लेकिन सच पूछो तो शिव एक शक्ति है और शक्ति अपना काम करती है, विभिन्न रूपों में वो शक्ति काम करती है, और शक्तियां ये खत्म नहीं होती हैं, यह हमेशा रहती हैं, अलग अलग रूपों में रहती है। कभी शंकर के रूप में कहा गया कि रहे, कभी शिव के रूप में रहे, कभी शिव शंकर के रूप में रहे, जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ये शक्तियां अनेक काम करती हैं। जैसे देखो, देवताओं में अत्याचार अन्याय बहुत बढ़ा, पापाचार बढ़ा, तो राम का अवतार हुआ। जब राक्षस मांस के टुकड़ों को काट काट करके अग्नि कुंडों में डालने लगे तो दुजमुख भोजन होम सराधा जाय करो इनका तुम्बाधा, तब राम का जन्म हुआ। राजकुमार राम थे, विश्वामित्र मांग करके ले गए, 12.5 वर्ष तक रखा अपने आश्रम पर उनको, अन्य सिखाया बताया, राजनीति धर्मनीति परिवार नीति कूटनीति सब कुछ सिखा दिया, 9 गुणों से लैस किया था। आप ये समझो कि उनके अंदर वशिष्ठ जी के मिलने के बाद, दीक्षा मंत्र नामदान लेने के बाद शक्ति का इजहार हुआ। तो कहते हैं राम 12 कला लेकर आए थे, और ज्यादा अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ा,
कृष्ण 16 कला लेकर के ब्रह्म स्थान से आए। इसी तरह से ये शक्तियां होती हैं। शिव एक शक्ति है और शिव जी खुश तब होते हैं कि जब अन्य समझो उनका भोजन मालूम हो जाता है कि यह इनका भोजन है, इस तरह से ये खाएंगे, इस तरह से इनको खुश किया जाएगा, तब वो खुश हो जाते हैं। आप ये समझो, लेकिन ये जितनी भी शक्तियां हैं ये सब किससे खुश होती हैं? निर्मलता से खुश होती हैं। निर्मल मन जन सो मल पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये जितनी भी शक्तियां निर्मलता से आती, अंतरात्मा की सफाई होनी चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, निर्मलता से अन्य समझो ये खुश होते हैं। आपको समझने की जरूरत है कि प्रेम की जो रोटी होती है वो अगर ठीक से न भी बन पाई हो तो भी वो समझो कि बड़ी प्यारी लगती है। आपने सुना होगा समझो कि बुजुर्ग यहाँ गए थे, आपने समझो तो देखा कि और कोई है नहीं, बिरुरानी है, और बिरुरानी जो है यानी बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई देख करके प्रभु को। तब और कुछ तो था नहीं, केला था, प्रेम में विभोर हो करके और समझो छिलका देती गई और उसका बूढ़ा जो खाने वाला केला का होता है फेंकती गई और वो खाते प्रेम में चले गए। बिडूर जब आए देखा, कहा रे पगली तू केला का छिलका खिला रही है, ये देख बूढ़ा खाने वाली चीज है, उसको भी थोड़ा होश आया। और फिर वो जब छिल छिल करके बूढ़ा उसका देने लग गया, तड़का देने लग गए केले का, तब उन्होंने कहा वो स्वाद बिडूर इसमें नहीं है जो स्वाद केले के छिलके में था। प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम में अनि समझो रीझ जाते हैं, प्रेम से अनि कोई भी चीज खिलाया जाए। सच पूछो तो ये जो वेद है, ये जो उपनिषद है, ये जो प्राण है, ये सब क्या है? ये मनुष्य के लिए ही बनाए गए थे, ये मार्गदर्शिका हैं, यानी आपके समझो रास्ता बताने वाले हैं। इनमें सब कुछ लिखा हुआ है यानी किस तरह से ये देवता खुश होते हैं। जो खुश तो करना चाहते हैं लेकिन उसी में कर्म लोगों के बन जाते हैं, जीव हत्याएं हो जाती हैं, या प्रेत आत्माएं जो घूमती रहती हैं वो जब खा जाती हैं पा जाती हैं तो वही शिव भी बन करके चिल्लाने लगती, वही हनुमान बनकर चिल्लाने लगती हैं, प्रेत आत्माएं ही ये देवी देवता सब बन जाती हैं। इन सब चीजों की जानकारी कैसे होती है? सत्संग के द्वारा होती है। इसलिए प्रेमियों बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। सत्संग में बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाती है। तो देखो जब यह दुनिया नहीं थी, यह बाहरी चीजों को जिनको आप देखते हो, पेड़ पौधे, जमीन आसमान, ये जीव जंतु, ये कुछ नहीं थे। यहाँ तक कि न स्वर्ग था, न वैकुंठ था, देवलोक कोई था ही नहीं, देवी देवता भी नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, ब्रह्म पार ब्रह्म भी नहीं थे। समझो आप कौन था? वो एक अनिह अनामा, एक सच्चिदानंद प्रभु धाम, आप ये समझो कि उसी का धाम था। एक वो अलख जिसको कहा गया, देखा नहीं जा सकता है, अनि अगम है वो, उसके रूप को देखा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता है, अगम है, अपार है, अनि अथाह है उसका लोक, अनि उसका माप तोल कोई है ही नहीं। वही था प्रभु, एक था, उसके यहाँ जीवात्माएं खचाखच भरी हुई थी। आपको बताया प्रभु की अंश जीवात्माएं हैं, जो वहीं से उतरी हैं, उतर करके आई हैं, जगह जगह रुकती हुई आई हैं, तो वही था। तो उसकी एक दिन मौज हुई, वहाँ हिलोर पैदा हुई, और हिलोर पैदा हुई तो ये कुछ जीवात्माएं वहाँ से नीचे उतर करके आ गई।
जैसे परात में या कोई बर्तन में आप पानी भर लो और उसको हिला दो तो कुछ पानी नीचे गिर जाता है और जहाँ गिरता है वहाँ रुक जाता है वो पानी। ऐसे ही जीवात्माएं नीचे उतरी, उतर गई नीचे, उस स्थान से नीचे आ गई तो समझो आपकी वहीं पर वो रुक गई। रुक गई तो उस स्थान का नाम पड़ा अगम लोक, अलख अगम और अनामी, यानी तो अगम लोक पड़ा। काफी दिन तक वहां रह गई। अब वहीं से उसी में से जैसे देखो कई लोग कहीं जाते हैं, चाहे मजदूरी करने के लिए जाएं, चाहे नौकरी करने के लिए जाएं, चाहे आप ये समझो और कहीं तीर्थ यात्रा में जाएं, तो जो दिमागी अनुभवी बुद्धिमान होता है वही उनका लीडर बन जाता है, वही अगुआ बन जाता है, वही पंच प्रधान जिसको कहते वो बन जाता है। तो वहीं पर वो एक राज्य कायम हो गया। फिर उसके बाद में फिर ये जीवात्माएं नीचे उतरी तो समझो अलग लोग कहलाया। अब आप वहां ठहरी रही, फिर इधर और नीचे उतारी गई, उतरी ये किससे उतरी? शब्द से उतरी, शब्द के जोर से उतरी हुई है, नीचे आवाज से ही उतरी है, आवाज ही होती है, अब आवाज से ही उतरती है। फिर उसके बाद ये आ गई सतलोक में, और सतलोक में इसी तरह के मालिक हो गए। फिर उनकी एक दिन मौज हुई कि भाई नीचे की रचना किया जाए, बड़ी तेज आवाज हुई, तेज आवाज हुई तो ये नीचे की जो निचली स्तर की आत्माएं थी ये घबराई। निचले स्तर किसको कहते हैं? देखो हर देश एकदम से बराबर नहीं होता है, जैसे यहाँ पर है, आप देखो भारत देश ही है तो उधर हिमालय पर्वत है और इधर देखो समुद्र का किनारा है, इस तरफ है, ये ऊंचाई पर है, वो ऊंचाई पर है, वहां भी आबादी है। तो जो निचले स्तर की नीचे वाली चीजें ही गिरती हैं, ऊपर की चीज समझो कि गिरते गिरते गिरती है, नीचे की चीजें होती हैं तो आई समझो नीचे गिर जाती। तो ये घबराएं कि अब तो हम जब गिरने जा रहे हैं, बोले गिरने नहीं जा रहे हो, तुमको भेजा जा रहा है, तमको हम भेज रहे हैं, तुम जाओ। बोले कौन सी ऐसी गलती किया हमने कि हमको आप भेज रहे हो? बोले गलती तुमने नहीं किया है, लेकिन मेरी मौज हो गई है आगे रचना करने की। तो बोले कि मैं अगर नीचे चली जाऊंगी तो फिर आपके पास कैसे आ पाऊंगी? तब उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, हम रास्ता तुम्हारे लिए निकालेंगे आने का, तुम घबराओ नहीं। नीचे आत्माएं उतरें, अब ये जब उतरी तो बहुत समय तक आप ये समझो कि ये उधर रही और गुफा में रही, और फिर उसके बाद में वहां से उतरी आपके दशमा द्वार में, इधर रही शून्य महाशून्य भी उधरी कहा गया है तो वहां पर रही, और उस स्तर से फिर नीचे ये आई त्रिकुटी में रही। आप ये समझो त्रिकुटी के बाद में फिर इधर सहस दल कमर पर आई, सबसे छोटे पुत्र जो थे ये उनके समझो 16 फुट कहलाए हैं। इनका सबका अलग अलग राज्य है, अलग अलग इनका एक तरह से समझो कि राज्य समझ लो आप, मोटे तौर से द्वीप बने हुए हैं, राज्य बने हुए हैं, बहुत है समझो कि ऊपर में तो बहुत सिस्टम है इस तरह का। जैसे आपका देश है, देश में प्रांत है, प्रांत के बाद जिला है, जिला के बाद तहसीलें हैं, अब इनके सब के मालिक अलग अलग हैं, तहसीलदार हैं, आपके डीएम हैं, जिला के यानी डीएम हैं, आपके समझ लो कि प्रांत के हैं मुखिया हैं, इस तरह से। ऐसे ही उधर भी ऐसे ही सिस्टम सब है ऊपर की तरफ। तो आपको समझने की जरूरत है कि यानी सबसे छोटे पुत्र थे, 14 प्रमुख रूप से उस समय पर ये शक्तियां उतारी गई थी जो उनके पुत्र कहलाए, पुत्र कहलाए, सबसे छोटे थे जिनको रंजन भगवान कहते हैं, जिनको ईश्वर कहा जाता है, संतों ने इनको काल भगवान कहा है, काल कहा है, तो आप ये समझो मुसलमानों ने इनको खुदा कहा है, ईसा मसीह ने गॉड कहा है, तो ये सबसे छोटे। तो इन्होंने यानी समझो बहुत तपस्या किया, जब से वो अलग हुए जीवात्माएं अलग हुई उनका दर्शन हो पाना बहुत कठिन हो गया।
इनको भी नहीं हुआ, तब इन्होंने अखंड तपस्या किया। तपस्या किसको कहते हैं? माने तपाना। किसको तपाना? शरीर को तपाना, कष्ट देना। कष्ट देते हैं, बैठते हो तो कष्ट ही तो होता है, आराम से लेट जाते हो तो बहुत आराम है, बैठोगे तो कष्ट हुआ। लेकिन एक चीज आपको और बता दें, कोई चीज अगर मिलती है तो मेहनत से ही मिलती है, कष्ट से ही मिलती है। चाहे धन हो मेहनत करके कमाया जाता है, चाहे नाम कमाना हो तो समझो मेहनत करके ही कमाया जाता है। देखो कितना त्याग किया लोगों ने, मोती लगाया, सब पूजा हुई। राजा की भोग की पूजा होती है? नहीं होती है। लेकिन जो नंगा भूखा रह करके, घर त्याग करके, तपस्या करने के लिए गए, साधना करने के लिए गए पहले के समय में, उनकी पूजा हुई। आज तो आपको कोई त्याग नहीं करना है, आज तो आप संत बन सकते हो, साधक बन सकते हो, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर का पद प्राप्त कर सकते हो, ताकत प्राप्त कर सकते हो। सत्संगियों घर में ही बैठ करके आप समझो पूरा सुख लेकर के, शरीर का खाने का भी सुख, सोने का भी सुख, कुछ देखने सुनने का भी सुख प्राप्त करके आप सब कुछ पा सकते हो। कलयुग सम नहीं अने आन युग, जो नर करें विश्वास, विश्वास अगर हो जाए तो ये कलयुग का युग सबसे उत्तम युग है, सबसे श्रेष्ठ युग है। ऐसा युग कभी आप समझो हुआ ही नहीं। किस के लिए? पूजा उपासना के लिए, शब्दों को पकड़ने के लिए, शब्द की सीढ़ी को पकड़ पर चढ़ने के लिए ऐसा युग हुआ ही नहीं कभी। पहले मन यह हाथी के समान शक्तिशाली था, कब? सतयुग में, त्रेता में घोड़े की तरह से, और द्वापर में बकरी की तरह से, और अब यह मन कलयुग में चींटी की तरह से कमजोर हो गया। लेकिन बालू में अगर आप चीनी मिला दो तो चींटी निकाल लेती है, हाथी नहीं निकाल पाता है। इसी तरह से बस थोड़ा सा अनुसमझो ध्यान हटा करके उधर लगाने की जरूरत है, उधर पकड़ने की जरूरत है, उस मिठास को समझ जाने की जरूरत है, उसकी खुशबू मिल जाए तो समझो कि वो पकड़ में आ जाता। इनको खुशबू ही मिलती है, किसको? जानवरों को, हवा के जरिए वो खुशबू जाती है। तो देखो चींटियां जहाँ पर चीनी पड़ी रहती, मिठास रहती, वहीं पर जाती हैं। तो उसकी अगर घर में ठंडी कुछ आ जाए, खुशबू मिल जाए, तो पकड़ने में देर नहीं लगती है। तो आप ये समझो कि बहुत तपस्या किया हूं, तपाया पूरे शरीर को। अब फिर जब तपस्या हुई तो तपस्या से खुश हो गए। कौन खुश हुए? प्रभु खुश हुए। किसी को बार बार अगर आप पुकारते रहो, आपको दुत्कारे भी, आपको भगावे भी, लेकिन बार बार उसको याद करते रहो तो कहेगा अच्छा चलो एक बार बोल ही देते हैं, एक बार देख ही लेते हैं। यही कह जाते अच्छा बोल क्या कह रहा। ऐसे ही उन्होंने भी देख लिया, जब देखा और उनको ये देखे, अंदर में जब मन किया, साधना किया और प्रभु का दर्शन सत्पुरुष का किया, तब उन्होंने कहा भाई तुमने तो बहुत तपस्या किया, बड़ा मेहनत किया, मेहनत का फल तुमको देना चाहते हैं, और हम इतना तुमसे खुश हैं तुम्हारी मेहनत से कि तुम वरदान मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। देखो प्रेमियों, सेवा के द्वारा ही किसी को खुश किया जा सकता है, सेवा के द्वारा ही दिल को जीता जा सकता है। और आप लोग देखो सत्संगी हो, प्रेमी हो, सेवा करना नहीं चाहते हो, आपको गुरु महाराज ने धन दिया, बल दिया, विद्या दिया, बुद्धि दिया, किस लिए दिया? कि कमाओ खाओ दुनिया का कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहो, इसके लिए दिया है। आप ये समझो ये कूड़ा करकट कोई भी आज तक नहीं ले जा सका, दुनिया की चीज आप कैसे ले जाओ? ओ बड़ा कंजूस था महात्मा जी, उसके दरवाजे से उधर जब निकले तो जब देखे तो मुंह उधर कर ले तो कहीं कुछ मांग ना बैठे। तो एक दिन क्या हुआ, सीधे चले गए ऊपर ऐसे उसको चढ़कर,
इधर उधर देखता रहा, देखा नहीं उनके तरफ। तब उन्होंने कहा, मेरे शेठ, तेरे से मांगने नहीं आया हूं, आज मैं तुझको कुछ देने के लिए आया हूं। टक से आंख खोल दिया इसे, हैं? क्यों? कहते ना, केवल ला पड़े हैं, दा नहीं पड़े हैं, लाओ 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 लाओ, बस यही पड़े हुए हैं, देना जानते नहीं है। अरे दोगे नहीं तो पाओगे क्या? अरे बरकत खत्म हो जाती है अगर कुछ दिया नहीं जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, शरीर रोगी हो जाता है अगर सेवा नहीं किया जाता है, अगर कुछ मेहनत की कमाई खर्च नहीं की जाती है तो समझो कि बरकत बंद हो जाती है। इसीलिए तो लोग रसमांस गुरु का निकालते थे, पहले अच्छे काम में लगाते थे, खेत में पैदा होते ही अनाज वहीं से संकल्प बना लेते थे, कितना मठ में देंगे, इतना मंदिर में देंगे, इतना तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, खर्च करेंगे, इतना भंडारा करेंगे, खिलाएंगे, इतना गुरु के आश्रम पर देंगे, संकल्प लोग बना लेते थे। तो शेठ कहाँ गया? शेठ कहाँ गए? बोले आज मैं देने आया हूँ तुझको। तो कहा कि महाराज बैठो। तुरंत बैठाया, कहा कि देखने लगा क्या दे रहे हैं, तो निकाला एक छोटी सी सुई। तो कहा ये आपको देता हूं, और उसको आप संभाल के रखना। पकड़ लिया उसको, सुनता रहा कि और क्या कहते हैं। तो कहा देख शेठ, तू तो पहले मर जाएगा, यह मृत्युलोक का विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है, जानता है, इसको सुना है? बोले हाँ महाराज, ये तो जानते हैं। तब कहा देख, तू पहले मरेगा, तो जब मरना तो ये हमारी सुई लेते चलना वहां, और मैं जब बाद में आऊंगा तब मैं वहां तुमसे ले लूंगा। साफ सोचा उसने, कहा महाराज ये सुई हम कैसे ले जाएंगे वहां? कहा बस यही तो बात है, ये धन दौलत तू इसीलिए तो इकट्ठा कर रहा है, तो मरने के बाद ये तू ले जाएगा, हमेशा तेरे साथ रहेगा, और जब मरना है तो क्या तेरे साथ जाएगा? कहा नहीं महाराज, ये तो नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो ये सोच रहा है कि जाएगा तो ले जाएगा, तो ये सुई हमारी लेते चलना, हम आएंगे तो वहां ले लेंगे। और इसी में तो उसको ज्ञान हो गया, कहते हैं पल भर के सत्संग से अंकुल माल जैसे डॉक्टर को ज्ञान हो गया। आप समझो कि पल भर के सत्संग से वाल्मीकि को ज्ञान हो गया, तो ये बात की जो चोट लगती है, बात का जो चोट लगता है उससे परिवर्तन आदमी का हो जाता है। मारने से, पीटने से, गाली गलौज से परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, बदलाव अंदर से होता है, ज्ञान से होता है। तो समझो ज्ञान मिल गया उसको, और महात्मा जी तो चले गए, ओ पीछे पीछे चल दिया महाराज, सुई अपनी लेते जाओ, सुई लेते जाओ, नहीं 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 सुई हमको नहीं लेना है, अरे तुम लेते जाओ, हम आएंगे तो वहां ले लेंगे। ओ पीछे पीछे चला गया महाराज, तो आप कोई उपाय बताओ। तब समझाया बताया, वही के बाद में नामदान ले लिया, भजन करने लग गया, उधर से मन हटा करके अंदर में जो दौलत है कि जो दुनिया की दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है, उस दौलत को जब वो पाने लग गया तो सब धन धूल समान, यह धन बिल्कुल धूल मिट्टी की तरह से उसको लगने लग गया। कहने का मतलब यह है कि सेवा बहुत बड़ी चीज होती है, सेवा करना चाहिए, और ये जो दिल दिमाग बुद्धि ये जो दिया है, यानी समझो माता पिता के योगदान से आपको जो मिला है उसको अगर सेवा में नहीं लगाओगे, दिल दिमाग बुद्धि शरीर को धन को नहीं लगाओगे, तो फिर ये किसी का जब नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? ये दुनिया किसी की नहीं होगी। सेवा का फल मिलता है, त्याग का फल मिलता है। राम अगर अयोध्या में बैठ करके रावण को मारना चाहते तो नुकसान तो पहुंचा सकते थे, वो सबका मार भी देते, सहयोग लेकर के, सहयोग लेकर के ही उसको मारा था रावण को। बहुत विद्वान था, बड़ा जानकार था। आप ये समझो दो कला उन्होंने परशुराम जी से लिया, शक्ति लिया, तब उसको मारा था।
आप ये समझो कि अनी बाली को उन्होंने ओट से इसीलिए मारा कि वो ज्यादा ताकतवर था, सामने पड़ते ही दूसरे की आधी शक्ति ले लेता था। आपको समझने की जरूरत है कि अनी दया ले करके और फिर उन्होंने मारा तो मार तो सकते थे इधर उधर से शक्ति मांग करके लेकर के, जिस तरह से उन्होंने धनुष को उठाते समय गुरु से शक्ति को लिया था, कहा उठो राम भंजो भोग चापू मेटो जनक सुकल पेट उठो राम, खड़े हुए थे विश्वामित्र ऐसे बैठे थे और राम लक्ष्मण ऐसे खड़े हुए थे, बड़े बड़े भू बड़े बड़े राजा हार गए, धनुष नहीं उठा पाए, राजा जनक निराश हो गए, लगता है अरे सीता कुंवारी रह जाएंगे, कोई वीर रह ही नहीं गया इस धरती पर। तब विश्वामित्र ने कहा कहो राजन तो बच्चे से कहूं धनुष को तोड़ने के। देखा हल्का फुल्का नौजवान खड़ा है, सोचा क्या तोड़ पाएगा, लेकिन बोले सीता कुंवारी तो नहीं रहेगी, किसी से भी हो जाए हमारा संकल्प पूरा हो जाए। तब कहा उठो राम भंजो हो जाओ उठो, जब खड़े थे तब क्या उठो, बैठे होते लेटे होते तो उठो की बात भी जमती, पूरी शक्ति को खींचो कहाँ से, पूरे शरीर के अंदर से, किसकी शक्ति, इसी जीवात्मा की शक्ति जो यहाँ पर बैठी हुई है गांवों के बीच में यहाँ पर बैठी हुई है, उसकी शक्ति को खींचो और लाओ यहाँ पर, पावर को बढ़ाओ। ध्यान लगाने में क्या होता है, यही तो होता है, ये जो ध्यान आपको लगवाया जाता है बताया जाता है उसमें यही होता है कि जो ये शक्ति फैली हुई है उसको खींच करके लाओ, पावर बढ़ जाएगी। आप ये समझो कि कार की जाते हो और उसका आगे का हिस्सा ढीला कर दो तो उसकी रोशनी ऐसे फैल जाती है और दूर तब नहीं दिखाई पड़ता, और उसी को ऐसे घुमा करके अगर पावर को बढ़ा दो छोटा छोटा कर दो बहुत दूर तक रोशनी जाती है। मोटा पाइप है उसका पानी नजदीक गिरेगा, पतला पाइप लगा दो तो दूर जा करके गिरेगा, वहां भी खड़ा होगा वो पानी पी ले। इसी तरह से कहा शक्ति को खींच करके लाओ, शक्ति को लाओ भौहों के बीच में, भौ चापू, चापू का मतलब वहां से दबाव डालो, देखो धनुष को तब वो टूटेगा, उठो राम भंजो भो चाप। तो आप ये समझो फिर देखा उन्होंने लेकिन कमजोर पड़ गए, कमजोर पड़ गए, तब मन ही मन प्रणाम गुरु देना और अति लाघव उठाया दंड देना, गुरु को प्रणाम किया और गुरु से शक्ति मांगी, गुरु से ताकत मांगी। तो गुरु से कोई चीज दीनता से जब मांगा जाता है तब गुरु देने में देर नहीं करते हैं, और गुरु जो भंडार होते हैं जो समर्थ गुरु होते हैं सब कुछ देते हैं, जरूरत पर सब कुछ देते हैं। आप जो पुराने लोग हो तो कोई इस बात का आपको अनुभव है तजुर्बा है कि जरूरत पर आपका सब काम हुआ होगा, अगर आपके अंदर भाव भक्ति रही होगी, गुरु से प्रेम रहा होगा, गुरु के वचनों को भूले नहीं होंगे, गुरु को याद करते रहे होंगे, गुरु को मस्तक पर सवार रखे होंगे, तो आपके काम में यानी रुकते रुकते रुकावट आते आते भी वो समस्या सुलझ गई होगी कामों की। तो आप कमजोर देते हैं, इतना भी नहीं देते हैं कि गुरु को ही भूल जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा 400 साल गुरु महाराज ने अपने नजदीक रखा हमको, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब भी आते थे यही कहते थे कि थोड़ी और दया हो जाए, दुकान चल जाए, धन हो जाए, धन ही मांगते थे, और धन जब हो गया तो अब धन में ही उलझे पड़े हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती है, समझो आने जाना बंद कर दिए, ऐसे ही होता है। इसमें इतना नहीं देते हैं कि उसी में फंस जाए, लेकिन देते तो राम भगवान गुरु से ही अपनी शक्ति मांग करके, आप ये समझो रावण को मार सकते थे लेकिन अगर जंगल न जाते तो भगवान राम न कहलाते, तपस्या न किए होते, जंगल जंगल घूमते नहीं, कंदमूल फल अगर नहीं खा करके जिंदगी बिताए होते, अगर जमीन पर लेट करके आप ये समझो न बिताए होते तो आज उनका नाम न होता। और भी भाई तो रहे हैं,
और लोगों के भी भाई रहे, लेकिन और भाइयों की उतनी इज्जत नहीं है जितनी लक्ष्मण की है। जहाँ राम है तहाँ लक्ष्मण है, जहाँ राम है तहाँ सीता है। राजगद्दी पर पति के प्रेम में पति का साथ देने के लिए राजगद्दी पर ठोकर मार दिया सीता ने, तब आज जगह जगह देखो राम के बगल में सीता खड़ी हैं, बैठी हैं, लक्ष्मण भी वहीं पर खड़े हुए हैं। क्यों? भाई भाई में प्रेम था, भाई भाई के लिए जंगल चले गए थे। आप ये समझो लक्ष्मण भाई की रक्षा करते थे, पहरा लगाते थे। आप ये समझो केवट ने पूछा जंगल में कि यानी ये बताओ मोटे गद्दे पर फूलों की सेज पर राजमहल में सोने वाले राम और ये यहाँ पत्ते बिछाए हुए जमीन पर सोए हुए हैं। हम उनसे पूछा क्या यही है? ये था बोले ये तो भाग्य की बात होती है, कर्म यानी कुछ रहे इस तरह के। आप ये समझो कि जिससे इनको त्याग करना पड़ा इनके भाग में इस तरह का था कि इनको इस तरह से त्याग करना पड़ेगा कि जिससे इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, ये काम कर सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि परिश्रम और त्याग बेकार नहीं जाता। तपस्या किया, खूब तपस्या किया, खुश हुए पिता, सतपुरुष खुश हुए निरंजन भगवान से। तब उन्होंने कहा मांग लो जो तुमको मांगना है। तो इन्होंने देखो कहा कि आप हमको अपने जैसा राज्य दे दीजिए। कहते ना छोटे बड़े का ज्ञान होना चाहिए। कुदरत ने ही बनाया, देखो ये पांचों उंगली नहीं है, एक जैसी बनाया है, अलग अलग बनाया। उसका भी कुदरत का भी ये नियम है, पांचों उंगली बराबर करके अगर कोई चीज पकड़ो पकड़ में नहीं आती है, सरक जाएगी। और ये अगर समझो कि आगे पीछे रहती है तो पकड़ मजबूत बनती है। देखो ये पकड़ मजबूत बनती है। तो कुदरत ने जितनी चीजें बनाई वो सब बढ़िया से ही बनाई है, अपने तरफ से अच्छी ही बनाई है। लेकिन छोटा बड़ा सब जगह रहा है, छोटे बड़े का ज्ञान रहा है। गुरु महाराज में देखो जो पुराने लोग हो आप, कहा करते थे कोई बूढ़े मिल जाए, बुजुर्ग मिल जाए, विद्वान मिल जाए, उच्च कुल खानदान के मिल जाए तो उनका पैर छू लो, उनसे आशीर्वाद ले लो, कहा करते थे। तो हमेशा ये चीजें रही हैं। आप ये समझो छोटे अगर न हो तो बड़ों की कदर नहीं रहेगी, छोटे ही बड़े की कदर करते हैं। भक्त अगर न हो तो भगवान को लोग पहचान न पाए। भगवान की पहचान भगवान के बारे में भक्त ही बताते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेम कि मांग लिया उन्होंने, या नहीं सोचा कि पिता जैसा हमको अन्य राज्य मिल जाएगा, पिता जैसा राज्य, ये चीज उनको अच्छी नहीं लगी। लेकिन कह दिया था उन्होंने कि मांग लो, दे दिया उन्होंने। लेकिन अंदर से नाराजगी हो गई, कहा अब तू मेरे पास नहीं आएगा। दे तो दिया, मसाला दे दिया, पूज्यवत्मों को दिया, कहा जाओ अब तुम मसाले से रचना करो। तब उन्होंने रचना शुरू किया, आद्या शक्ति भी मिली। उससे आद्या से उन्होंने तीन बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन बच्चे यानी पैदा हुए। अब आप ये समझो कि ब्रह्मा ये तीनों बोले माँ से कि आप जो है हमको बच्चा पैदा करके, और आप ये समझो कि वो अलग हो गए। अब बोले कि ये मसाला तुमको हम देते हैं। आद्या से कहा इन पुत्रों से तुम इधर की रचना करवा लेना। और फिर वो चले गए और अपनी जगह पर से ध्यान लगाने में लग गए। ध्यान अब भी लगाते रहते, अब भी ध्यान लगाते बराबर ध्यान में मग्न रहते। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।